अभी बीच में हम रुके हैं और इसको भाई साहब को गर्मी लग रही थी इतने अच्छे मौसम में भी। हाँ, ये पानी से डर रहा है। नीचे भी जा सकते हैं यहाँ पे, मतलब अपनी अपनी वो पे ना, आपका खुद की जिम्मेवारी है, ये कोई जिम्मेवार नहीं है। इसको एक्चुअली ऊपर बकरियाँ दिख रही है, और देखो भेड़ बकरी है ना इधर। What's up everybody, क्या हाल चाल। सो आज का जो हमारा प्लान है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अभी मैं आपको हमारे दिव्य भाई से मिलवाऊंगा, और पीछे यार एक बहुत ज़्यादा प्यारी फोटो है, ये देखना। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ दिव्य भाई क्या कर रहे हैं और घर में क्या चल रहा है। आ जाओ ये देखना। हाँ जी बिटू क्या हाल है। ये इसकी मौज हो गई, ये घर पे पूरा इसको भाई सारे इसको ज्यादा ही प्यार कर रहे हैं भैया। और बहुत बढ़िया भाई, मजा आया। अभी लास्ट जो वीडियो डाली है भैया ने, शायद उससे लोगों को गेस लग गया होगा। और अभी हम फिलहाल निकलने लगे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और भाई ये गाड़ी में बहुत स्पेस है यार, अभी आप बता रहे हैं। बहुत बहुत यार, ये मतलब इसकी मेन क्या है ना, इसका लेग रूम बहुत ज्यादा है। हाँ, तो गोष्ठी को ना इस सीटें फिर हमने फोल्ड नहीं करनी पड़ती। हाँ, गोश्त क्या करता है, आधार ले लेता है और बैठ के बाहर देखता है, नहीं तो यूजुअली गिरता रहता था पॉइंट पहाड़ों पर। ये देखना, ये भैया ने ये लगाया हुआ है इसके ऊपर, ताकि गोष्ठू के जो बाल है वो ना जड़े, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा शेडिंग कर रहा है गोष्ठू। ये सही चीज है यार। ओके गाइस, अभी फिलहाल हम निकल पड़े हैं और बाहर जो है बहुत अच्छा व्यू है। और मेरे साथ है हमारे अनुराग भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया अनुराग भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी जो है फिलहाल यहाँ से कुछ 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से सिर्फ। ये अभी थल का रास्ता है। अच्छा, यहाँ से हमारा फ्रेंड एक और मिलेगा। अच्छा, उनको हमने पिक करना है। उनको पिक। और आगे कितने घंटे का रास्ता है? फिर 1.5 घंटे का और है, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 घंटे, 3-4 घंटे का। 3-4 घंटे के बाद हम पहुंचेंगे। और जा कहाँ रहे हैं अभी यार, ये तो बताओ। अभी हम मैं भी बिरती जा रहे हैं। ओके, अभी तक का यही प्लान है। ओके, तो फिलहाल बाकी भैया जो है वो गोस्ट को प्रॉपर एक पूरी एक जगह चाहिए होती है, इस करके वो अलग ही कार में आ रहे हैं। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और गोस्ट के साथ आज प्रॉपर घूमेंगे। A few moments later. Okay guys, so ये हमने कुछ इधर berries ली हैं। ये नया फल हुआ, खाना चाहिए पहाड़ का। अच्छा, ये यहीं पे ही होता है सिर्फ? हाँ, ये जंगलों में, जंगलों में पहाड़ में हुआ। अच्छा, इसको खाते हैं, इसमें नमक डाला इन्होंने। और बहुत अच्छे हैं ये, और लेने बनते हैं वैसे। लिटरली देखो ऐसे अभी फिलहाल जो है हम आधे रास्ते तो पहुंच चुके हैं, और अभी बाहर का व्यू देखो, साइड में जो है सभी पहाड़ी एरिया पे हो रही है वो है स्मॉग की, जो हमने लास्ट व्लॉग में भी डिस्कस किया था। मतलब सारा व्यू, इनफैक्ट द पिक्चर क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, एयर क्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, बट स्टिल जैसे हम देख सकते हैं ना वो बहुत सही लग रहा है। और अभी बीच में हम रुके हैं और इसको भाई साहब को गर्मी लग रही थी इतने अच्छे मौसम में भी। हाँ, ये पानी से डर रहा है। पूरी गाड़ी छोटी पड़ गई, सब कुछ छोटा पड़ गया, रेस्ट करने के लिए सड़क के बीच बैठ गए। राजा हो गया, राजा राजा जी। चलो राजा जी, चलो राजा जी की सेटिंग करें। ये भाई असलियत में इसको मतलब है वो एटीट्यूड है, फुल पावर इसमें। बोतल बड़ी फेवरेट चीज है, और देखना अभी तो बोतल से फेवरेट खिलौना। ढक्कन लगा देते हैं, ढक्कन खोलता है। हां, ढक्कन पहले ढक्कन खोलता है, इससे फेवरेट टाइम पास नहीं है। सो लग गया, वाओ गाइस, सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन के बहुत पास है। सामने आप देख सकते हो झरना बह रहा है, और इधर क्या ही मस्त व्यू है। यहाँ पे मतलब इधर आते ही ना बहुत सारे मैगी पॉइंट शुरू हो गए, पर हमारा कुछ प्लान ऐसा है कि हम खाएंगे नेपाल की मैगी, जो कि हम नेपाल गए थे तब लेकर आए थे। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा, वो फेसबुक पे मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे मैं फूड ब्लॉग्स मोस्टली डालता हूँ, तो फेसबुक पे मेरा पुलकित राम के नाम से ही पेज है। सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट, आप वहाँ जाकर देख लेंगे कि कैसे निकलती है नेपाली मैगी और क्या टेस्ट है। ठीक है, तभी तो ओके गाइस, फिलहाल हम पहुँच चुके हैं पीछे जो है
क्या ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है। आई नेवर स्टे लाइक ऐसे, कभी हम मनाली वगैरह जाते हैं तो कुछ इस तरीके का स्टे भी देखने को मिलता, बिल्कुल पहाड़ों के बीच। हार्ड, बहुत हार्ड। ओके गाइस, सो अभी हम फिलहाल आए हैं एक स्पॉट पे जहाँ पर मतलब लैंडिंग पॉइंट है। अब पीछे देखो क्या ही अमेजिंग व्यू है यार। वाओ, बहुत ज़्यादा इधर तक इधर से जा रहा है, इधर पुल है और ये सारे जो यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स हैं वो भी इधर आ गए हैं गोष्ठी से मिलने और बहुत प्यारे हैं। पीछे इसको देख लेंगे। भाई साहब, हाँ जी, ओ भाई साहब, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। सेम भाई, हस्ती का सबका सेम है। सुल्तान भी ऐसे ही था, मतलब जब भी सुल्तान से मिलो तो वो एक बार के लिए तो मुंह फेर लेगा, मिलेगा ही नहीं। आप भी है नेक्स्ट मॉर्निंग, रात को हम सो गए थे थोड़ा जल्दी और आज बारी है उस जगह जाने की, ठीक है। और बहुत ज़्यादा तो अमेजिंग व्यू है हमारे बैल्कनी का। और अभी फ़िलहाल उठाऊँ और अभी फ़िलहाल टाइम है हमारे को उधर जाने का, उसके बाद शायद अगर हम टाइम से फ्री हो गए तो एक जगह हम और जाने वाले हैं, वो हमारे को सारी चीज़ें दिव्या भाई बताएंगे। और नेक्स्ट अगर हम कहीं गए तो उसका व्लॉग अलग से आएगा, बट फिलहाल के लिए तो अभी यहाँ जाने की बारी है। हम सुपर डुपर एक्साइटेड। फिलहाल हम जो है एक रास्ते पे निकल पड़े हैं जो कि ऊपर वहाँ पर झरने तक जा रहा है। नीचे हमने एक टिकट कटवाई है और आ जाओ यहाँ पर, जब भी आप आओगे तो मतलब सिर्फ 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे, लाइक जस्ट लाइक एंट्री टिकट। पाथ इतना भी मुश्किल नहीं है, पाथ बना हुआ है एक्चुअली, और ऊपर जाकर आप बैठ सकते हैं वहाँ पर। खा पी तो नहीं सकते पर पानी वगैरह ले जाएं साथ में। और गाइस सबसे अमेजिंग बात यहाँ की ये है ना, जैसे हिमाचल हम जाते हैं, हिमाचल में इतना ज़्यादा क्राउड आ गया है जिसकी वजह से वो गंदा होना शुरू हो गया, जो कि बहुत गलत बात है। हम लोग जो हिमाचल में जाते हैं वो मेक श्योर करें कि गंद ना पाए। उत्तराखंड बहुत कंपेरेटिवली क्लीन है अब तक, और यहाँ थोड़ा पानी कम है जैसे नीचे झरना जो बह रहा है। वाह गाइस, तो अभी कुछ ही दूरी पे बहुत अमेजिंग व्यू देखने को मिल रहा है। बस सबसे ज़्यादा बुरी बात हमारे साथ ये हुई है, बहुत ज़्यादा स्मोक है। गोश्त को गाइस अभी देख रहे हैं। वैसे इस ट्रैक पे डॉग्स को लेके आना अलाउड है ना? हाँ, अगर कोई भी ये एडवेंचर करना चाहे। नहीं नहीं, बिल्कुल ला सकते हो, जानवरों के लिए कोई मना ही नहीं है यार। यहाँ के गांव वाले ना कई जगहों पे तैरने वैरने के लिए मना करते हैं, पर जिन तालाबों में वो कहते हैं मैं तैरा हूँ, भालू भी तैरते हैं, भालू भी सारे, शेर भी तैरता होगा, आदमी के लिए मना ही है, जानवरों के लिए तो मेरे को लगता है मनाही हो सकती है, प्योर सोल होती है ये। चलो भाई गोसु, यहाँ से रास्ता देखो, लंगूर देख रहा है, लंगूर के पीछे लंगूर चाहिए। जी ऑलमोस्ट आधे से ये ज़्यादा रास्ता कवर कर चुके हैं और गोस्टू तो कह रहा है और घुमाओ, अभी गोस्टू की तो एनर्जी ख़त्म ही नहीं हुई है। अभी तो 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ यार, 6 किलोमीटर हाइक करने वाले के लिए 1 किलोमीटर क्या है भाई? कुछ भी नहीं है गोस्टू, अभी चलते हैं बेटू, 2 मिनट चलो, अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ, अनुराग भाई का वेट कर रहे हैं, अनुराग भाई आ रहे हैं। अरे अरे रुक तो उल्लू पागल, सारे अस्की एक जैसे होते हैं बाबा, शाले अस्की एक जैसे होते हैं, सारे जाइंट अस्की एक जैसे होते हैं। ध्यान से आना, गिरना ना, गोश्त जा रहा है, गोश्त तो भाई। गाइस हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल वाटरफॉल के पास, सामने वाटरफॉल है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई, वैसे उस जगह को बुलाया क्या जाता है यार? ये बिरथी है, ये पूरा गांव, ठीक है, और ये जो झरना है से बिरथी फॉल्स बोलते हैं, बट ये ना आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दिस इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन उत्तराखंड जितना मैंने सुना है ना, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ है, या तो कुमाऊं का लार्जेस्ट है या उत्तराखंड का लार्जेस्ट वाटरफॉल है ये। पता लगे अभी अनुराग भाई यहाँ से भागते हुए गए और पानी के अंदर। हाँ हो सकता है, इधर आओ बस, इसको 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 नलाए क्या आप? इसको स्विमिंग करवा देते हैं पानी, वो फोर्स पे तो पानी का दुश्मन है। मैक्स होता था कुछ भी कुछ खाता है ना, मैक्स का वीडियो यहाँ पे तैरता था पूरा भाई, ये पानी इतना ठंडा है ना, एक बार हाथ लगा के दे, बर्फ का पानी निकल के आ रहा है, चलना पड़ेगा भाई एक बार नीचे से, चलते बहुत बहुत टफ है, मतलब टफ है।
सो आप गाइस आकर नीचे भी जा सकते हैं यहाँ पे, मतलब अपनी अपनी वो पे ना, आपका खुद की जिम्मेवारी है, ये कोई जिम्मेवार नहीं है यहाँ पे अगर आप गिर फिर गए। हाँ जी, इसको एक्चुअली ऊपर बकरियाँ दिख रही है, और देखो भेड़ बकरी है ना इधर, भैया बकरी चराने आए हुए हैं इसको। इसमें ना बहुत पहले भी एक वीडियो है यहाँ बिरसी का, तो इसने बकरी पर अटैक कर दिया था उस वीडियो में, बकरी इसको चैलेंज कर रही, कर रहा बकरी आई इसको चैलेंज कर रही है, ये था लंबी वाली लीज से बता हुआ भाई साहब, इसने अटैक कर दिया बकरी की, फट गई बकरी को, लगा तो दूर है दूर है दूर है, उसको पता रस्सी लंबी वाली है। ओके गाइस, सो अभी फिलहाल जो है मैं GoPro में कर रहा हूँ वीडियो, आई डोंट नो कि वॉइस आ रही है कि नहीं, बट व्यू आ रहा है, और अभी बारी है यहाँ से मेरी नीचे उतरने की, वहाँ अनुराग भाई, अनुराग भाई मेरा वेट कर रहे हैं, एंड आई थिंक आई शुड व्यू दिस, यो माय बॉय। तो मैं अभी फिलहाल झरने के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूँ, वाओ अलग ही लेवल का मजा आ रहा है यार, ओह माय गॉड। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे, यहाँ पर एक ऐसे पॉन्ड टाइप बना हुआ है, और ये रहा वाटरफॉल, वाओ लो भाई अंकल का व्यू देख। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग यार, और अभी यहाँ से वापस जाना एक बहुत बड़ा टास्क है, तो अभी आपने देखा किस तरीके से अंकल ऐसे करके पोज कर रहे थे। आई होप कभी मैं भी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो पाऊँ कि मैं ऐसा पोज कर पाऊँ। चलो जी अभी वापस उधर वाली साइड जाने की तैयारी में हम तो घूम फिर के वापस आ गए, इसको बकरी की अभी भी लगी हुई है। अब तो हमारे साथ के लोग नहीं है भाई, ऐसे तो क्या जाएगा क्या, जाओ चार है चार है। अरे जी जी झरने के पीछे है, झरने के पीछे बकरियों में इंटरेस्ट है, बकरी वाला चले गया है बकरियों को लेके शायद मेरे घर से, अब जहाँ गए वहाँ जाने। भाई अभी वापस निकलने का टाइम आ गया, भैया अपना व्लॉग कर रहे हैं, हम अपना व्लॉग कर रहे हैं, तो अभी वापस निकल रहे हैं और अभी जा रहे हैं आगे। कौन सी जगह जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं भाई मुंशारी। ओके, मुंशारी में पर्टिकुलरली हम थामरीकुंड जा रहे हैं। हाँ हाँ, थामरीकुंड से जा रहे हैं क्योंकि ये देखो आप बहुत ज्यादा स्मॉग है। हाँ, जंगल जल रहे हैं ना। हाँ ये तो है, तो हमें हिमालय तो दिखेंगे नहीं। हाँ हाँ, वो तो कुंड है। हाँ, और वो जब मैं गया था ना लास्ट टाइम, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ मुंशारी मेरे हिसाब से। लो जी भाई फोटोशूट चल रहा है, मस्त, तुमने बहुत बढ़िया टाइम पास किया यार। भाई ये देखना क्या ही अलग अमेजिंग व्यू था गाइस, बहुत ज़्यादा। और फिर आज निकलते हैं आगे थामरीकुंड के लिए, और वहाँ पे अच्छी खासी चढ़ाई है। यहाँ से कितने देर का रास्ता है भाई? वहाँ पे ना एक्चुअली चढ़ाई जाते भी नहीं है क्योंकि नीचे है, वो आते हुए चढ़ाई है, तो यहाँ से एक घंटा ड्राइव है फिर, और फिर एक घंटा पैदल है। ठीक, आधा घंटा पैदल, मतलब डेढ़ घंटे में बंदा यहाँ से पहुंच जाएगा। लास्ट टाइम जब मैं गया था ना, पत्तियां गिरी हुई थी, बहुत ही स्लिपरी हो रहा था, होपफुली अभी साफ साफ ऐसा मिल गया तो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। सही, लंगूर बहुत है, लंगूर बच के रहना पड़ेगा, गोष्ठी को बचा के, गोष्ठी गिराता है ना यार।